बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुभानहू व तआला। वेलकम बैक विद अनदर लेसन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 ऑफ 9th क्लास फिजिक्स। एंड दिस टॉपिक इज यंग्स मॉडुलस, एंड दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन। यंग्स मॉडुलस को डिस्कस करने से पहले हमें अपने प्रीवियस लेसन की कुछ की पॉइंट्स को और इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स थे या इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस थी उनको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना प्रीवियस लेसन सुना है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो उम्मीद है कि आज का लेसन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। यंग्स मॉडुलस को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर पर आना पड़ेगा अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पर। स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, सो स्टूडेंट, दिस इज सिंपली कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर मीन्स फोर्स अप्लाइड नॉर्मली ऑन द पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज मीन बाय द स्ट्रेन? स्ट्रेन मीन्स द चेंज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी ड्यू टू स्ट्रेस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, मोस्टली चेंज ऑफ लेंथ, चेंज ऑफ साइज एंड चेंज ऑफ शेप। बट वी स्पेशली स्पेसिफाइड अ चेंज ऑफ लेंथ बाय नेम एज टेंसाइल स्ट्रेन। सो नाउ इन यंग्स मॉडुलस वी हैव टू डिस्कस द टेंसाइल स्ट्रेन। स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग द लेंथ एल नॉट, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड वेन वी अप्लाई अ फोर्स और बाय एनी चेंज, इफ द चेंज प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज मीन्स द length of an object increases by delta L, and this is the whole length L, and delta L means L minus L naught. अब स्टूडेंट, हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करना है, फॉर एग्जाम्पल की यंग्स मॉडुलस के अंदर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय हीट, बाय फोर्स, बाय प्रेशर, किसी तरह से स्ट्रेस की मदद से स्ट्रेन लेकर आते हैं, स्ट्रेन हमने स्पेसिफाई कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ लेंथ का होगा, तो स्टूडेंट चेंज ऑफ लेंथ को हम नाम देते हैं टेंसाइल स्ट्रेन का। लास्ट टाइम हमने टेंसाइल स्ट्रेन के फॉर्मूला को डिस्कस नहीं किया था, आज अगर हम टेंसाइल स्ट्रेन के फॉर्मूला को भी डिस्कस कर लें स्टूडेंट, तो टेंसाइल स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज ऑफ लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग यहां पर वैल्यूज पुट कर दें चेंज ऑफ लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ को, तो चेंज ऑफ लेंथ हमारे पास स्टूडेंट डेल्टा एल है, डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल लेंथ मीन्स एल नॉट, वेयर एज डेल्टा एल इज रिप्रेजेंटेड बाय L minus L naught and it is over L naught. So this is called the tensile strain. This is the formula that help us to solve the Young's modulus. Student, actually Young's modulus जो है हमारे पास एक constant है, constant से मुराद ये एक specific ratio होगी as a constant जिसे हम consider करेंगे कि किसी भी object के अंदर कितना चेंज आ सकता है मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बाय फोर्स या किसी भी चीज की वजह से अगर अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, तो वो लेंथ को एक स्पेसिफिक लिमिट तक इंक्रीज करेगा, अगर उससे ज्यादा लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी तो ब्रेक हो सकता है। तो इसका मतलब है कि विद इन इलास्टिक लिमिट अगर चेंज ऑफ लेंथ हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टेंट होंगे और हर ऑब्जेक्ट की अपनी अपनी इलास्टिक लिमिट है। अच्छा, अगर अब हम स्टूडेंट फाइनली इसकी डेफिनेशन की तरफ आए यंग्स मॉडुलस की, तो डेफिनेशन स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन यंग्स मॉडुलस की कुछ यूं होगी, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। स्टूडेंट, अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पर आ जाएं, तो स्टूडेंट फॉर्मूला हमारे पास कुछ यूं बनता है, जैसे कि हमने हुक्स लॉ के अंदर ये बात डिस्कस की थी, तो यंग्स मॉडुलस के लिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या हुआ, स्ट्रेस एंड ओवर टेंसाइल स्ट्रेन।
अगर हम इस फॉर्मूला के अंदर फर्दर इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है फोर्स पर यूनिट एरिया, वेयर एज द टेंसाइल स्ट्रेन इज रिटन एज चेंज ऑफ लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ व्हिच विल बिकम एज एल माइनस एल नॉट ओवर एल नॉट एल माइनस एल नॉट एंड ओवर एल नॉट। सो स्टूडेंट यहां पर जब हम इसको सिंपली सॉल्व आउट करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा कुछ यूं बनेगा, एफ ओवर ए डिवाइडेड बाय एल माइनस एल नॉट ओवर एल नॉट व्हेन वी चेंज द साइन एज एफ ओवर ए मल्टीप्लाई बाय एल नॉट ओवर एल माइनस एल नॉट। सो स्टूडेंट आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन द फॉर्मूला विल बिकम एफ एल नॉट ए इंटू एल माइनस एल नॉट एंड दिस फॉर्मूला फाइनली ऑल्सो बी रिटन एज एफ एल नॉट ए एंड चेंज ऑफ लेंथ एंड हेंस दिस इज कॉल्ड द यंग्स मॉडुलस। दिस इज द फॉर्मूला दैट हेल्प अस टू फाइंड आउट द चेंज ऑफ लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट दैट कैन बी चेंज्ड ड्यू टू स्ट्रेस। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा और आसान सा हमारे पास फॉर्मूला है जिसकी मदद से हमने ये सारी की सारी कैलकुलेशन की और जिसकी मदद से हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर एक साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर आपका एक कॉलम जो है वो बना है, एक टेबल अवेलेबल है, उसमें डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट इलास्टिक लिमिट्स के अंदर अंदर जो उसका यंग्स मॉडुलस बनता है उसकी वैल्यूज गिवन है। तो स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप किस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं इन अ वेरी सिंपल वे और शॉर्टकट वे मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट अबाउट द टेंसाइल स्ट्रेन एंड राइट द फॉर्मूला, then you have to write the definition of Young's modulus, and after the definition of Young's modulus you have to explain this diagram ki aapke paas ek object hai, consider an object having the length l naught whereas by applying a stress the length of an object change and the total length will become as l, the change of length is written as delta l which is equal to l minus l naught। ये छोटी सी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्क्राइब करने के बाद यू हैव टू गिव द हेडिंग ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशन विच इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस फॉर्मूला एंड द फाइनल फॉर्मूला दैट वी कंक्लूड फॉर द यंग्स मॉडुलस इज दिस एंड हेंस योर लॉन्ग क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। बट द सिंगल थिंग दैट लेफ्ट इज द यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। स्टूडेंट इसके लिए यूनिट क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, यूनिट को भी डिस्कस करना जरूरी है। एक्चुअली लेंथ नॉट यानी कि एल नॉट ओरिजिनल लेंथ और डेटा एल ये चीजें जो है हमारे पास चेंज को डिस्कस कर रही होती, लेकिन जो बेसिक टर्म्स हैं इसके अंदर वो है एफ और ए। तो एफ ए का स्टूडेंट हमारे पास यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। सो यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होगा ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर ही रहेगा। उम्मीद है आपको आपका ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत आसानी के साथ समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह डिटेल मार्किंग वाले अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।